एवरीवन, गर्मियां आ चुकी हैं और इन गर्मियों में ना हमें एक फल का होता है इंतजार। जी हाँ, आप सबका गेस एकदम सही है, वो है आम। तो इस आम को यूज करके मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ बहुत ही स्पेशल सा एक डिजर्ट, जो कि है मैंगो रसमलाई। तो मैंने सोचा आप सबके साथ ये क्यों ना शेयर करूं। सो वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, इंडिया लीडिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कुकिंग एंड बेकिंग। मैं हूँ शेफ राखी, फैकल्टी ऑफ स्वाद। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंगो रसमलाई। तो रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स विद मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो आप उनको फॉलो करके ये रेसिपी को परफेक्टली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे काओ मिल्क। जब हम इसमें काओ मिल्क ऐड करते हैं ना, तो हमारी रसमलाई या रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसलिए आप कभी भी रसमलाई या रसगुल्ले बनाओ ना, तो उसके लिए गाय का दूध ही लेना। अब हमारा दूध उबल के रेडी है, इसे ना थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका हम छेना बनाएंगे। एक आपको पैन के ऊपर एक छलनी और उसके ऊपर एक मसलिन क्लॉथ रख के रेडी रख लेना है। यहाँ पे हम विनेगर और पानी को मिक्स कर लेंगे और इसे हम उबले हुए दूध में ऐड करेंगे। जैसे ही आपको एक ट्रांसपेरेंट सा वाटर ग्रीन कलर का दिखने लगे, आप इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसे हम ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि जो विनेगर या नींबू आप जिससे भी छेने को बनाएंगे उसकी पूरी खटास निकल जाए, ताकि आपका छेना है ना वो ओवर कुक ना हो जाए। और इसे अब हम स्ट्रेन होने के लिए साइड पे रख देंगे, ताकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा वाटर है पूरा का पूरा स्ट्रेन हो जाए। जो छेने से निकला हुआ पानी है ना, उससे आप अपनी रोटी का आटा या पूरी का आटा भी लगा सकते हो, और साथ में उस पानी से सब्जी या दाल भी बना सकते हो। तो हमारे छेना में से ना एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो चुका है, तब इसे हम एक प्लेट में ले लेंगे। आपको इसे हथेली की मदद से अच्छे से मसल लेना है, ताकि इसमें एक भी दाना ना रहे। तो हमने छेने को ना मसल के एकदम इसके दाने निकाल दिए हैं। आपकी पूरी हथेली पे ना इसका जो ऑयल है वो आ जाएगा। हमारा छेना रेडी है, तो हम इसके अब छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो हम एक और पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम पानी और चीनी। तो इस चाशनी में हम अपने रसमलाई की बॉल्स को पकाने वाले हैं। तो हमारी रसमलाई बॉल्स रेडी हैं, इसे हम अपनी तैयार चाशनी में डाल देंगे। सारी की सारी बॉल्स को एक साथ नहीं डालना है, एटलीस्ट थोड़ी स्पेस रहना, उतनी ही आपको बॉल्स ऐड करनी है। इसे हम मीडियम हीट पे 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारी रसमलाई की बॉल्स पक रही हैं, तब तक हम रसमलाई का दूध बना लेते हैं। इसका रस बनाने के लिए ना फुल क्रीम मिल्क यूज करेंगे। अब जैसे ही हमारा दूध थोड़ा सा बॉईल होगा, इसमें हम ऐड करेंगे केसर। केसर ना मैंगो में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए हम इसमें केसर ऐड करते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। चीनी की मिठास आप अपने पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि आम आगे जाके बहुत ही ज्यादा मीठे हो जाते हैं, तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो। अब इस रस को हम एक बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मेरे रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं, पर इन्हें चेक करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। आप एक कांच के बाउल में पानी लेंगे और इसमें आप रसगुल्ले को डालेंगे। अगर ये रसगुल्ला नीचे बैठ जाता है, तो मतलब ये पक चुका है। जैसे ही आपका रसमलाई का मिल्क ठंडा हो जाए, आपको इसमें ऐड करना है मैंगो पल्प। तो आपके लिए एक छोटी सी स्पेशल टिप, जो आपका मैंगो पल्प होता है ना, वो थोड़ा सिट्रिक होता है, तो आप कभी भी उसे गर्म दूध में ऐड नहीं करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो के पीसेस, और अब हम इसमें ऐड करेंगे रसमलाई बॉल्स भी। इसे आपको जो भी इसका एक्स्ट्रा लिक्विड है ना, उसे स्क्वीज आउट करके ही इसमें ऐड करना। हमारी मैंगो रसमलाई बनके रेडी है। इसे आप फ्रिज में 4 to 5 hours के लिए रख देंगे, उससे इसका टेस्ट ना उभर के आए, और तभी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चे इसे एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से स्लाइस पिस्ताशियोस के साथ।
आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। सी यू सून। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।